हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत है और आप सभी को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन क्रमशः चैप्टर में आप परिमेय फलनों का समाकलन करना बताया जा रहा है और आज हम आप परिमेय फलनों के समाकलन में लास्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम में हम सीखेंगे ब्रेकेट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू और इंटू में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप के फलनों का समाकलन। इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप के फलनों का समाकलन करना बताया था। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखोगे तब तक ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को सर्वप्रथम जरूर देख लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके सामने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 15.4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के प्रश्नों को नोट किया है। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2x प्लस 1 ब्रेकेट के अंदर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप के फलन का रूप दिया गया है। तो इस टाइप के फलनों का हम समाकलन कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू दिया गया है। इसके पहले मैंने आप लोगों को परिमेय फलनों का समाकलन करना बताया है। वहाँ पर अंश में जब पी एक्स प्लस क्यू दिया होता था और अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया होता था, तो हम मानते थे, क्या मानते थे, कि जो पी एक्स प्लस क्यू है वो आपका ए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो द्विघात समीकरण होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का बी सॉल्व करते थे। सॉल्व करने पर हम दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते थे, ए और बी का मान ज्ञात करते थे और उसके पश्चात वैल्यू पुट करके समाकलन कर लेते थे अलग अलग करके। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इंटू में दिया गया और अंडर रूट में दिया गया है बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसको आप आई के बराबर मान लीजिए, आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है 2x प्लस 1 और इंटू में आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5 इंटू में आप लिख दीजिए dx। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि px प्लस q के रूप में दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि माना 2x प्लस 1 जो है वो a डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, द्विघात समीकरण कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 और प्लस का b, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a, अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, बाकी तो आपका अचर पद का अवकलन शून्य होता है और प्लस ये आपका b हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 2ax प्लस का 2a प्लस का b। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक 2a, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू 2, यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू, यहाँ पर अचर पद आपका 1 है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 हमें मिल जाएगी, या 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2 उधर जाएगा माइनस का 2, 1 से माइनस 2 यानी माइनस 1 आपको मिल जाएगा। a b की वैल्यू आपको मिल गई, अब a और b का मान आप कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे यहाँ पर, और ये वैल्यू आप कहाँ पर रखोगे इसके स्थान पर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर आपने मानी, तब ये आपका हो जाएगा आई स्क्वल टू समाकलन ऑफ, इसके स्थान पर आप पुट कर दीजिए a ब्रेकेट में 2x प्लस 2 और प्लस b, यहाँ से आप बड़ा ब्रेकेट लगा लीजिए और अंडर रूट आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इंटू में dx, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वल टू, a की वैल्यू आई है 1 तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इंटू में dx, a की वैल्यू 1 थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है, फिर प्लस b, अब b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे अलग कर लेंगे और b की वैल्यू कितनी आई है आपकी माइनस 1, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए बस, 1 लिखा नहीं जाता है, ये अंडर रूट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इस टाइप के फलनों का समाकलन करना हमने आप लोगों को इसकी पिछली क्लास में बताया है, इसीलिए हमने आप लोगों से कहा है कि उस क्लास को आप पहले देख लीजिए। और इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए तो आप जानते हो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको आप t के बराबर मान लोगे, इसका अवकल गुणांक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो अंडर रूट t का समाकलन होता है t की पावर 3/2 अपान में 3/2, तो इसका तो सिंपली समाकलन हो जाएगा और इसी का आपको सीखना है तो वो आपको पिछली क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू t, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x प्लस 2 और इंटू में dx इक्वल टू dt,
यानी 2x प्लस 2 और इंटू में dx के स्थान पर आप dt पुट कर सकते हैं और इसके स्थान पर t, तो अंडर रूट t हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ अंडर रूट t और इंटू में dt माइनस समाकलन ऑफ, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 कॉमन लेने पर इस समीकरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है 2, 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, और हाफ करने पर जो संख्या उसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 इसमें जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 हमने जोड़ दिया और प्लस 5 नोट कर लिया और 1 घटा दिया और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब आगे जो है इसका समाकलन कर देते हैं। तो अंडर रूट टी का समाकलन कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है, और सूत्र लगाएंगे x की पावर n वाला, तो x की पावर n प्लस 1 होता है, तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 आपका हो जाएगा। तो इधर थोड़ा हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये आई इक्वल टू रूट टी का समाकलन करेंगे तो टी की पावर 3/2 और अपान में 3/2, फिर माइनस लगा माइनस लगा देंगे और समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर, देखिए ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर और इंटू में आपका कितना है dx। यहाँ पर मान लेंगे पुनः कि x प्लस 1 जो है वो t एक वेरिएबल के बराबर है, तो dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा dt। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और t की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए जाएगा समाकलन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, और इंटू में dt क्योंकि dx इक्वल टू आपका dt। इसके पहले की क्लासों में मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया है समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर मैं सूत्र को लिखे देता हूँ, हम जानते हैं चूंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष कितना होता है, होता है आपका 1/2 ब्रेकेट के अंदर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर लॉग ब्रेकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बस हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर थोड़ा हम ड्राफ करेंगे जिससे हमें थोड़ा प्लेस मिल जाए। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 2/3, टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, किसके बराबर मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के बराबर आपने t को माना था, ठीक है, उसके बाद अवकलन किया था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 3/2 है ना, और माइनस का इसके स्थान पर हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर टी स्क्वायर है, देखिए पहले माइनस लगा तो माइनस लगा रहने दीजिए, यह आपका हो जाएगा 1/2 ब्रेकेट के अंदर आ जाइए, एक्स होता है यहाँ पर टी है तो ये टी हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ए के स्थान पर यहाँ पर 2 है तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में लॉग ब्रेकेट के अंदर इधर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस यानी टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इस ब्रेकेट को ऑफ कर लेंगे, यहाँ से आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 3/2 माइनस 1/2, टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टी किसके बराबर मानता एक्स प्लस 1 के, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4, फिर प्लस 4 लॉग ब्रेकेट के अंदर टी के स्थान पर एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4, ब्रैकेट को आप ऑफ कर लीजिए, ये आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 3/2। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, हम यहाँ से चाहें तो 1/2 का मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस 1 अंडर रूट, इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो अपान में 2 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस आपका पहली बात तो माइनस हो जाएगा और 2 देखिए 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 और लॉग ब्रेकेट के अंदर एक्स प्लस 1, ओके इसको ब्रेकेट के अंदर आप कर लीजिए और इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो अंदर अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5।
ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को जैसे हमने सॉल्व करा है, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, तो इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इसी की तरह के से हैं, तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो सारे क्वेश्चनों का सलूशन आपको प्रोवाइड नहीं करा जा सकता है। आप तरीके को समझिए और इन क्वेश्चनों को लगाने का अभ्यास कीजिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बहुत प्रयास करने के बावजूद, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, मैं उस क्वेश्चन को लगाने का पूरा प्रयास करूँगा कि उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा प्रारूप इसमें चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते थे जितने भी फंक्शन दिए थे इनमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करके दिखाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यदि आपको कम बात समझ में आई है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए, बस आप इन क्वेश्चनों को लगा लोगे। तो इधर मैं रफ की देता हूँ, उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो फलन दिया गया है, सर्वप्रथम आप उसको i के बराबर मानिए, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ 2 माइनस 3x ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है और इनटू में लिख देंगे dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस 3x को हम मानेंगे, क्या मानेंगे ध्यान से देखिएगा, माना 2 माइनस 3x इक्वल टू a, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो द्विघात समीकरण दिए कितने दिए 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर और प्लस b, ये तो मानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू a, अवकलन करेंगे तो 4 अचर पद, अचर पद का अवकलन शून्य होता है, ये आपका हो जाएगा 8, इसका अवकलन करेंगे माइनस का 10x हो जाएगा आपका और प्लस का b हो जाएगा। ये 2 माइनस 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 8a माइनस का 10ax और प्लस का b। दोनों पक्षों के गुणांकों की हम तुलना करेंगे, यहाँ पर देखें तो x का गुणांक माइनस 10a है, तो माइनस का 10a जो हो जाएगा वो माइनस के 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक माइनस 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/10। यहाँ पर अचर पद देखें तो आपका 8a प्लस b है और यहाँ पर अचर पद देखें तो आपका प्लस का 2 है। a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 3/10 और प्लस b इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा हम क्रॉस कर लेंगे, इसको थोड़ा हम काट लेंगे, तो यह आगे 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12/5 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 माइनस, इसको उधर लेके आएंगे 12/5, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 2 10, 10 से 12 जाएगा माइनस का 2/5। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू को आपने इसके बराबर माना है, तो ये आपका हो जाएगा, लिखेंगे नाउ आई इक्वल टू समाकलन ऑफ 2 माइनस 3x को आपने माना है a ब्रेकेट में 8 माइनस 10x अवकलन करने पर मिला है और प्लस b के बराबर, बड़ा ब्रेकेट लगा लेंगे, और इनटू में आपको दिया गया है 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर और इनटू में dx। a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3/10, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 10x प्लस b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है -2/5, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/5, इस ब्रेकेट को हम ऑफ कर लेंगे और अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा dx। अब हम इस अंडर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे इससे और उसके बाद इससे, अलग अलग कर लेंगे, तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ 3/10 8 माइनस 10x और अंडर रूट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर और इनटू में dx हो जाएगा। क्लियर है नहीं बात। अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, समाकलन ऑफ 2/5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर और इनटू में dx।
अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से 3/10 को बाहर कर लेंगे, अचर पद है, और यहाँ से 2/5 को बाहर कर लेंगे, अचर पद है, और इसको टी के बराबर मान लेंगे, इसका अवकल गुणांक हमें गुणे में मिल जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे कि माना 4 + 8x - 5x² = t, आपको मिल जाएगा 8 - 10x dx = कितना, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, = dt। ये 3/10 आपका बाहर हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा i = यहाँ पर देखिए 3/10 आपका अचर पद है, वो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। समाकलन आप देखिए, इसको आपने t के बराबर माना है, तो आपको इतना और इंटू में dx = मिल गया है dt, तो जाएगा √t और इंटू में dt। फिर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे 2/5 जो है, यहाँ से अचर पद बाहर हो जाएगा, और समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 4 + 8x - 5x² और इंटू में dx। इसको हम पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो x² का गुणांक -5 है इसको कॉमन लेंगे हम, ठीक है, सारे पदों से, यह आपका हो जाएगा i = 3/8, इसका समाकलन करेंगे तो t^3/2 और अपान में कितना हो जाएगा 3/2 -2/5 समाकलन ऑफ -5 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा -5 अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे, ये आपका हो जाएगा x² प्लस का, और प्लस का 8/5x, ठीक है, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, माइनस होगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, और ये माइनस का 4/5 और इंटू में dx हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ये आपका हो जाएगा i = यहाँ पर देखें तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आप ऐसे काट सकते हो, 2 1 2 2 4 8 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 t^3/2 -2/5 समाकलन ऑफ, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, √5 भी बाहर कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए √5 को हम बाहर कर लेते हैं, और समाकलन ऑफ √ के अंदर माइनस हमने बाहर नहीं किया है, ये आपका हो जाएगा x² - 8/5, यहाँ पर क्या करेंगे, x का जो गुणांक उसका आधा करेंगे, 8/5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/10, कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा ना, 8/5 का आधा करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 4/5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आएगा, कितना आएगा 16/25, इसको ऐड कर देंगे और माइनस का 4/5 -16/25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनटू में dx हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, तो आप स्क्रीन को जो है टेढ़ा कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको बड़ा दिखेगा। यह आपका हो जाएगा i = 1/4 t^3, देखिए t की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, t की वैल्यू आपने मानी थी 4 + 8x - 5x² 4 + 8x - 5x² की होल पावर 3/2 -2/5, देखिए √5 से √5 काटोगे तो अपान में √5 मिल जाएगा आपको, और समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर देखिए ये माइनस लगा दीजिए, यहाँ से बड़ा ब्रेकेट आप लगाइए, तो ये आपको मिल जाएगा x - 4/5² इसमें आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे हर बराबर करने के लिए, तो आप एक हल लोगे 25, ऊपर आपका हो जाएगा 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 16 माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का 36 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। आगे सॉल्व करेंगे, i = आपका हो जाएगा 1/4, ये 4 + 8x - 5x² की होल पावर 3/2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, -2/√5 और यहाँ पर देखें तो समाकलन ऑफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस माइनस चिन्ह का अंदर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अंडर रूट के अंदर ये 36/25 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा -x - 4/5² इनटू में dx। यहाँ पर x - 4/5 को एक वेरिएबल t के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना x - 4/5 = t, तो आपको मिल जाएगा dx = dt। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा हम रफ करेंगे, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा i = 1/4, यहाँ पर एक गलती हुई है, देखिए यहाँ पर 3/10 था, ठीक है, हमसे छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर 3/10 था, हमने 3/8 लिख दिया, यहाँ पर 3/10 था, आप देख लीजिए पीछे वीडियो को थोड़ा स्किप करके, तो यहाँ पर 3/10 था, हमने 3/8 लिख दिया जिसकी वजह से 4 आया, यहाँ पर 3/10 था, इसको आप सही कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 और ये अपान में मिल जाएगा 5 और ये अपान मिल जाएगा 5 और अपान में 5,
छोटी सी गलती हुई है, ठीक है, कहीं कहीं कभी कभार गलती हो जाती है, तो उसको आप ध्यान में रखकर जो है सही कर लीजिएगा। यह हो जाएगा आई इक्वल टू 1/4 + 8x - 5x² / 3/2 और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे 2/√5 हो गया। यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई कर देंगे, देखिए यह ऐसा बन जाएगा अंडर रूट, यह आपको जाएगा 6/5 माइनस, इसको हमने t के बराबर माना, t² और इंटू में dt। हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया है, समाकलन ऑफ अंडर रूट a² - x² का x के सापेक्ष क्या बताया, 1/2 और x इंटू में अंडर रूट a² - x² + a² और इंटू में साइन इनवर्स x/a। इस सूत्र को हमने बताया, इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/5 4+8x - 5x² / 3/2। इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए अब जब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 2/√5 आपका पहले से ही है, यहाँ पर सूत्र को अप्लाई करेंगे तो इंटू में 1/2 हो जाएगा, फिर ब्रेकेट लगेगा, तो यहाँ पर मैं ब्रेकेट लगा रहा हूँ। फिर आपका होता है x, x के स्थान पर t अंडर रूट a² - x², यानी 6/5 का स्क्वायर करेंगे 36/25 माइनस x² यानी t² आपका हो जाएगा, फिर प्लस a² यानी इसका स्क्वायर करेंगे 36/25 और साइन इनवर्स x/a यानी t/में कितना हो जाएगा 6/5, a के स्थान पर 6/5 है ना, यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 1/5 4+8x - 5x² / 3/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1/√5 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, t किसके बराबर हमने माना था, x - 4/5 = t माना था, तो t के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे x - 4/5 और अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 36/25 माइनस टी के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे x - 4/5 2। ओके, फिर आपका प्लस लगा, प्लस लगाइए 36/25 साइन इनवर्स टी के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे x - 4/5 और अपान में 6/5। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, बस ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा इधर हम ग्राफ करेंगे, ये आपका हो जाएगा i = देखिए ये चीज़ आपकी वैसे ही रहेगी 1/5 4+8x - 5x² / 3/2 फिर -1/√5 मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि आएगा नहीं, और ब्रेकेट के अंदर आ जाइए, ये आपका हो जाएगा 5x - 4 5x - 4/5 ब्रेकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 36/25 और इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, ठीक है, और नहीं ओपन करना तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x - 4/5 2। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 36/25 साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 5x - 4/5 आएगा तो नीचे वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बटे में 6 बच जाएगा। इस ब्रेकेट को आप ऑफ कर लीजिए, यहाँ पर आप देखिए इसको ओपन कर सकते हो, अगर ओपन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर भी आपका सही है, ठीक है, तो ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आप आगे नहीं सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व कराए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रश्नावली के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।